नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान। एब्सोल्युटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। भाई, इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश गलत कारणों से सुर्खियाँ बनी। कभी हम लोग का पुल हवा से, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना, उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। आप बताइए, जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही, सुर्खियाँ हमारा प्रदेश से हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियाँ हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर ले। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ, कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर, रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो, घटना सामने या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई, कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना जरूरी समझा? तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिसपे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार उन अधिकारियों को और अतिरिक्त प्रभार दे रही है। चर्चा चल रही है कि कुछ दिन पूर्व आपकी महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि जेडीयू और महागठबंधन चाह रही है कि आप लोग इनके तरफ आए, मनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भाई, कोई भी अगर ऐसी चर्चा होगी मैं ज़रूर आपके साथ सार्वजनिक करूंगा, पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो मुझे लगता है कि इस मंच पर बताने। चिराग जी, आपने कहा कि जो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नवंबर के बाद प्रत्यक्ष होगा परोक्ष गठबंधन जो है आपका, ये 28 नवंबर के बाद प्रत्यक्ष करेंगे। भाई, मैं कोई समय पे नहीं बांध रहा इसको, पर हाँ, जैसे ही चर्चा होती है या बातें अगर होंगी, जब भी होंगी मुख्यमंत्री जी, तभी तो हम बोलते हैं भैया कि इनका शासन प्रशासन लिप्त है। आज भैया अपराधियों की गिरफ्त क्यों नहीं हो पा रही, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों, शराब क्यों ना किसी बड़े गिरोह को आज तक पकड़ा गया, पढ़ते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संरक्षण सवाल के बाद को प्राप्त होता है मुख्यमंत्री। और जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये टूटा हुआ पुल भ्रष्टाचार को करते हैं अमृत। तो आपने अभी देखा कि चिराग पासवान बिहार सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।